प्रधानमंत्री पदवी को प्रधान नरेंद्र मोदी कीलक व्याख्या तनक विश्रांति उद्देश्य असले लेदान व्याख्या रेल प्रधान पदवी चपड़ते अंत अदान पे सदर्भंग ओ विपक्ष नायक गुर्तचेक गुजरात प्रभुत्वं आर्थिक सहकार पुन वृद्धु वितंतु पेद प्रजल तो मोदी वर्चुअल मुच्छटिंचार व्याख्या नमस्ते साहब नमस्ते। अयु भाई कहना छो मूल मूल वागरा गाम में छू साहब वागरा तालुको। हाँ जी अने शू भण्या हूँ धोरण बार भणेलो छू साहब बार भण्या छो। हाँ जी तो जरा तमारा विषय में बताओ अने आ योजना शू छे ने योजना नो लाभ शू मळ्यो छे जरा को हिंदी में सर हिंदी में बोल सो तो ही चाल छो का टीवी वाला बता जो ही रहा है देश में तो आज हिंदी भी बोल सकते हैं। अच्छा तो मैं सर ब्लाइंड हूँ और राष्ट्रीय अंजन मंदिर में मानव सेवा दे रहा हूँ। देखिए आप ये मत कहिए कि आप ब्लाइंड है आपको दिव्य दृष्टि है। ओके ओके और मेरे घर में 6 सदस्य है 3 बेटी है और वाइफ है और मदर माता श्री है। बचपन से ही चली गई है क्या? ना जी सर वो लास्ट 15 साल से कोई मैं सऊदी अरब गया था वहाँ आंखों का ड्रॉप डाला था तो उसका मुझे असर हो गया उसके वजह से विजन लो हो गया। अभी डॉक्टर क्या कहते हैं? अभी उसका कोई उपाय नहीं है ग्लूकोमा हो गया है तो अभी जो थोड़ा कुछ बचा है 5% वो टिका रहा है। और आपके बेटियों को पढ़ाते हो? हाँ बेटियां पढ़ती है एक 12 कक्षा में एक 8 कक्षा में एक पहली कक्षा में और जो पहली कक्षा में जो लड़की अगले साल मैंने उसका भर्ती किया है तो आरती के अनुसार उसका सिलेक्शन हो गया तो उसका 1 से 8 साल तक सरकार उसके पढ़ाई कराएंगे। अरे वाह। और बाकी दो बेटियां जो 12वीं वगैरह में पढ़ती है उनका कैसा है पढ़ने में? वो दोनों लड़कियों को भी स्कॉलरशिप मिल रहा है हर साल जब से आप आए हैं सरकार में तब से स्कॉलरशिप मिल रहा है। कितना स्कॉलरशिप मिलता है? वो उनको बड़ी लड़की को 10,000 रुपया और छोटी लड़की को 8,000 रुपया। तो इन बेटियों ने क्या सोचा है क्या पढ़ करके क्या करना चाहती है? ये बड़ी लड़की का अभी रिजल्ट आया है अभी 10 बजे वो 80% आया है वो डॉक्टर बनना चाहती है। डॉक्टर बनना चाहती है? हाँ जी। है क्या वहाँ आपके साथ बैठी है क्या? आप हमारे साथ में बैठी है। कौन है बताओ बेटा क्या नाम है? आप उनको आशीर्वाद दीजिए सर जी। अरे मेरे आशीर्वाद है। क्या नाम बेटा? आलिया। अच्छा बेटा बताइए डॉक्टर बनने का मन विचार आया? पापा की प्रॉब्लम को देखकर। उसे नहीं बोला जाएगा वो थोड़ा भावुक हो गई है। भेज भेज वो थोड़ा भावुक हो गए तो वो नहीं बोल सकेगी सर जी। ऐसा है बेटी को बिठाने नहीं बोले हाँ तो भेज बेटी तुम्हारी ये जो संवेदना है ना वही तुम्हारी ताकत है। अच्छा आपने सबने वैक्सीन ले लिया क्या याकूब जी? हाँ जी वैक्सीन ले लिया सबने वैक्सीनेशन तो करवा लिया याकूब? हाँ जी दोनों वैक्सीन लिया मैंने और लड़कियों ने भी लिया है स्कूल में से। तो इस बार ईद कैसे मनाई रमजान कैसा रहा? बढ़िया रहा सर जी बहुत अच्छी तरह से मनाया। हाँ सबसे मनाया। तो ईद में बेटियों को क्या दिया? ईद में उनको पैसा दिया तो कपड़े लाए और उनके जरूरत की चीजें लाई। अच्छा देखिए ये बेटियों का सपना पूरा करना। हाँ जी सर जी हाँ
और कुछ कठिनाई हो तो मुझे भी बताना। ठीक है सर जी, ठीक है। देखिए मैं अयूब जी आपका और आपकी बेटियों का विशेष अभिनंदन करता हूं। तो पहले तो आपने वैक्सीनेशन लगवा दिया, रमजान भी बहुत बढ़िया से मनाया, ईद भी बढ़िया से मनाई, और सरकार की तरफ से जो मदद आपको मिल रही है उसका आप सदुपयोग कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप अपने शारीरिक जो पीड़ा है उसको शक्ति में बदल रहे हो, और बेटियों को डॉक्टर बनाना और बेटी के मन में विचार आना कि पिताजी की इस पीड़ा ने मुझे डॉक्टर बनने की प्रेरणा दी। अने साहब भरूच थी दिल्ली तो घणो दूर छे, 1100 किलोमीटर, पर त्यां बैठा बैठा तमे अमारी चिंता करशो ते बदल घणो धन्यवाद आपू छू आपने। अने हुं तमने जोई शकतो नथी, परंतु तमे देशनी सेवा, देशना देशवासीओ माटेना विकासना कार्य करो छो, तेनी सुगंध मारा अंतरात्मामां आवे छे, जे बदल आपनो खूब धन्यवाद करू छू। अने तमे विकलांग शब्दने रट करी दिव्यांग शब्दनो अमने उपमा आपी, જે બદલ ગૌરવ વધાર્યું તે બદલ હું આખા ભારતના દિવ્યાંગો વતી તમને હું આપને આભાર વ્યક્ત કરું છું સાહેબજી। ચલો યાકુબભાઈ, તમને તમારા પરિવારને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। ધન્યવાદ સાહેબજી। અને અન્ય લાભાર્થી હે જો ગંગા સ્વરૂપ વિધવા સહાય। તમારા વિષયમાં બતાવો, તમને શું મદદ મળી, શું થયું જરા કહો। મારે વિધા ફાર્મ નો જે અમારે સાહેબ ને જે તાલુકા પંચાયત ની કચેરી માંથી જે આવ્યા છે કર્મચારીઓ, એમની સાથે મારું ફોર્મ ની એ ભરાયું છે, અને પછી મારા ગામ પંચાયત તલાટી સાહેબ તેમને ફોર્મ ભરીને મારા 3 મહિનાથી પૈસા મળે છે। મેનાબેન, તમારા પરિવારમાં કોણ કોણ છે? 5 સભ્ય છે, બાબો, વહુ અને એના 2 બાળકો। દીકરાના લગ્ન થઈ ગયા, દીકરો શું કરે છે? જીઆઈડીસી માં જાય છે સાહેબ। જીઆઈડીસી માં જાય છે? હા। અને વહુ પણ કઈ કામ કરે છે કે? હા, ઘર કામ કરે છે। ઘર કામ કરે છે। અને વહુ ક્યાંથી લાવે છો, કયા ગામ થી લાવે છો? કાસા મનાળથી, મનાળથી। અને એમના દીકરાઓને ભણાવો છો? હા, ભણા, નાના છે દીકરાઓ જ એના। તો તમને શું યોજના મળી અને યોજનાનો શું લાભ મળ્યો? સાના સાહેબ, તમને જે યોજના મળી છે એ કઈ યોજના મળી છે અને યોજનાનો શું લાભ મળ્યો તમને? અમને વિધવા બહેનોનું પેન્શન મળ્યું છે, અને જે અનાજ મળ્યું છે સન્માનપૂર્વક જીવવાનું, આમ વિશ્વાસ આવી ગયો છે। હા, ક્યાંય હાથ લાંબો નથી કરવો પડતો ને? ના ના, નથી કરવો પડતો। બહુ ગૌરવથી જીવો છો? હા હા, સરસ રીતે જીવું છું એમ। ચાલો મીનાબેન, તમને મારી ખૂબ શુભકામનાઓ છે, અને બાળકોને ભણાવજો, ખૂબ આગળ વધે। અને સાહેબ, અમારા બધી બહેનો વિદ્યા બહેનોના તમને આશીર્વાદ છે, અને આગળ તમારું ગર્વ વધે। તમે બધા બહેનો જે રાખડી આપી, એ રાખડી જ મને બહુ ભાવુક બનાવી દીધો। નમસ્તે, નમસ્તે મહોદય। અબ સિર્ફ 35 સાલ કી એક વિધવા બહેન હૈ વાલિયા ગાંવ સે, જો હૈ અરુણાબેન ઉમેશભાઈ બસાવા, જો સીધા સંવાદ કરેંગી માનનીય પ્રધાનમંત્રી મહોદય સે। અરુણાબેન ઉમેશભાઈ, સિર્ફ 35 સાલ કી ये महिला है। અરુણાબેન નમસ્તે। નમસ્તે સર। અરુણાબેન, આપણું ગામ કયું? મોખડી।
વાલિયા તાલુકો અમારો. બારિયા કયો તાલુકો? વાલિયા. વાલિયા તાલુકાના છો? હા. તો અરુણાબેન કેટલું ભણ્યા તમે? 12 પાસ. 12 પાસ ભણ્યા. અને પરિવારમાં કોણ કોણ છે? મારા એક દીકરી છે, એક દીકરો છે, એક સાસુ છે. તો ઘર બધું તમારે જ ચલાવવું પડે છે? કોઈ નહીં, સસરા ભી નહીં, હસબન્ડ ભી નહીં. ઓ, તો બધું તમે જ સંભાળો છો કે તમારા સાસુ માં પણ કઈ કરે છે? મારી સાસુ માં મારો ભેગી રહે છે. હા. અને બાળકો શું ભણે છે? એક 12 સાયન્સ ભરે છે, એક આઈટીઆઈ કરે છે. છોકરો 12 સાયન્સ ભણે છે ઓર છોકરી આઈટીઆઈ કરે છે. એમ.